ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, teacher. That's it, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फयाज अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल, आप सभी बच्चों का संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में इस्तकबाल करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपके 10वीं जमात की रियाजी की किताब हिस्सा दुवम से 15वां सबक सतही रकबा और हजम पढ़ने जा रहे हैं। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि वो अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल अपने साथ रखें, जो भी मुआद आपको समझाया जा रहा है उसे बगौर सुने और उन्हें नोट करें। तो ये सबक सतही रकबा और हजम, इसको हम इंशाल्लाह 5 हिस्सों में मुकम्मल करेंगे। तो उसी कड़ी का आज ये पहला हिस्सा है, जहां पे हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो ठोस असाम होते हैं उनके सतही रकबा और हजम को कैसे मालूम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सबक आपके लिए नया नहीं है, आपने 9वीं जमात में इस सबक के मुतालिक और ठोस असाम के मुतालिक मुताला किया हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। तो चलिए आज की क्लास में हम उन तमाम चीज़ों का इयादा करते हैं, रिविजन करते हैं जो आपने 9वीं जमात में पढ़ा है। तो ठोस असाम क्या होते हैं, ये आपने अपनी 9वीं जमात में पढ़ा है। ठोस असाम वो असाम होते हैं जो रुखों से घिरे होते हैं, जिनके किनारे होते हैं और रासें होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने इन ठोस असाम का मुतालिया अपनी 9वीं जमात में किया है, आपने मुकब नुमा के मुतालिक पढ़ा है, मखरूत के मुतालिक पढ़ा है, मुकब के मुतालिक पढ़ा है और कुर्रे के मुतालिक पढ़ा है। तो आज फिर से हम इन तमाम ठोस असाम के रकबेजात को मालूम करने के लिए, हजम को मालूम करने के लिए क्या जाब्ते होते हैं उनके मुतालिक पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां पे अपनी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उनकी तस्वीर दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक अलमारी है, प्लास्टिक का बॉक्स है, डस्टर है, मैच बॉक्स है, एक कार्टून का डिब्बा रखा हुआ है, बुक है, डस्टर है। तो ये तमाम ठोस असाम किसकी मिसालें हैं? तो ये तमाम ठोस असाम मुकब नुमा की मिसालें होती हैं। तो इन तमाम अशा को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और ये तमाम मुकब नुमा कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं मुकब नुमा की क्या खसूसियात होती हैं। तो मुकब नुमा शक्ल में आप एक मुकब नुमा की शक्ल देख सकते हैं। जो भी मुकब नुमा होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुख्तलिफ होती है। मुकब नुमा ठोस असाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मुख्तलिफ होती है। जैसे आप शक्ल में देख सकते हैं, यहां पर हम लंबाई को L से जाहिर करते हैं और इसकी चौड़ाई को B से जाहिर करते हैं और इसकी ऊंचाई को H से जाहिर करते हैं। तो मुकब नुमा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तमाम एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, इनकी कीमतें अलग अलग होती हैं। और अगर आप गौर से देखते हैं ये मुकब नुमा के जितने भी रुख हैं ये रुख मुस्ततिल नुमा होते हैं। तो जैसे आप मुकब नुमा को देख सकते हैं, यहाँ पे एक मुकब नुमा का मॉडल है। तो ये मुकब नुमा इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों मुख्तलिफ होती हैं। तो मुकब नुमा की क्या खसूसियात होती हैं? मुकब नुमा में मुकब नुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये मुख्तलिफ होती हैं। और ठोस असाम में जो सतह आपको नजर आती हैं, ठीक है, ये सतह या रुख कहलाते हैं, ठोस असाम के रुख कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रुख अगर आप देखते हैं तो मुकब नुमा का
जो रुख होते हैं ये मुस्ततील नुमा होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं मुकब नुमा का सतही रकबा हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो पहले आप इस शक्ल को गौर से देखें, तमाम चीजों को शक्ल में जो बताई गई गौर से समझें। देखें यहां पे एक मुकब नुमा की शक्ल दी गई है। मान लीजिए इस मुकब नुमा की लंबाई को हम L मान लेते हैं, चौड़ाई को B मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई को H मान लेते हैं। क्योंकि ये मुस्ततील नुमा रुख होते हैं, अगर लंबाई L है, मुस्ततील की खसूसियात क्या होती हैं? मुखालिफ जिले आपस में मसावी होते हैं, यानी इसकी लंबाई अगर L है तो मुखालिफ जिले की भी लंबाई L होगी, और अगर इसकी लंबाई H है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? H होगी। उसी तरह इसकी चौड़ाई अगर B से जाहिर कर रहे हैं तो इसकी लंबाई भी B होगी, और ये ऊंचाई इसकी अगर H होगी तो ये भी H होगी। ठीक है, तो यहां पे हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई H है। और हमें पता है, आपको पता है कि किसी भी मुस्ततील का रकबा कैसे मालूम किया जाता है, उसके जो दो जिलों होते हैं, दो जिले होते हैं, अगर उनकी लंबाइयों को अगर हम जरब देते हैं तो हमें उस मुस्ततील का रकबे का पता लगता है। तो यहां पे जुमला आप देख सकते हैं शक्ल में छह रुखे हैं, आप देख सकते हैं पहला ए बी एफ ई, ये वाला सामने वाला रुख, और इसके पीछे डी सी जी और एच, इसके पीछे वाला रुख है। उसी तरह ऊपर का रुख कौन सा है? ए बी सी डी ऊपर का रुख है, और नीचे ई एफ जी एच। उसी तरह दाएं जानिब वाला बी सी जी एफ, और दाएं जानिब ए डी एच और ई। तो अगर हम ऊपर और निचली सतह का रकबा मालूम करते हैं, ऊपरी सतह और निचली सतह, तो दोनों सतह क्योंकि ये मसावी हैं, एक जैसी हैं, और एक सतह का रकबा अगर हम मालूम करके उसको अगर हम दो से जरब दे देते हैं तो हमको इन दो सतहों का रकबा मालूम होता है। तो चलिए ऊपर और निचली सतह की अगर हम बात करते हैं, तो ये निचली सतह अगर आप लेते हैं, निचली सतह, तो निचली सतह इसकी लंबाई कितनी है? एल, और इसकी चौड़ाई कितनी? इसकी लंबाई L है, और इसकी दूसरे जिले की लंबाई कितनी है? H है। तो अगर हम L को H से जरब देते हैं तो हमको इस सतह का रकबा कब रकबा मालूम होता है, रकबे का पता चलता है। तो पहले अगर हम यह देख रहे हैं ऊपरी और निचली सतह, ऊपर की सतह और नीचे की सतह, तो ऊपर की सतह में दो लंबाइयां कौन कौन सी है? एक है L और दूसरी है B। तो अगर हम L को B से जरब देते हैं, L को B से जरब देते हैं तो हमको इस सतह का रकबा हासिल होता है। तो ऊपर की जो सतह है इसका रकबा कितना हो गया? L जरब B। उसी तरह नीचे की सतह का रकबा कितना हो गया? यहां पे भी L जरब B, यानी L जरब B इसका रकबा हो गया और इस सतह का रकबा L जरब B। तो दोनों L जरब B जमा L जरब B, ये होता है दो जरब L B। उसी तरह अगली और पिछली सतह का रकबा, तो जो अगली सतह है ना, यानी ए बी एफ जी अगली सतह और पिछली सतह डी सी जी और एच, तो ये जो दो सतह हैं इसका रकबा क्या होगा? इसकी लंबाई कितनी है? इस सतह की अगर हम बात करें, लंबाई एल और चौड़ाई एच, लंबाई एल है और इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। तो अगर हम दोनों को जरब देते हैं, एल जरब एच, तो हमको इस अगली सतह का रकबा हासिल होता है। तो अगली सतह का रकबा कितना है? एल जरब एच। उसी तरह पिछली सतह का, तो पिछली सतह में भी इसकी लंबाई कितनी है? L, और इसकी ऊंचाई कितनी है? H, तो L जरब H, तो L जरब H अगली सतह का रकबा, L जरब H पिछली सतह का रकबा। तो जुमला मिला के अगली और पिछली सतह का रकबा कितना हो जाता है? दो जरब L जरब H। उसी तरह दाएं और बाएं सतह का रकबा, दाएं सतह और बाएं सतह, इनका रकबा कैसे हासिल करेंगे? फिर से हम इसकी जो दो लंबाइयां हैं उनको जरब देंगे, तो इस सतह के लिए इसकी एक लंबाई है B और दूसरी लंबाई है H, यानी चौड़ाई B और ऊंचाई H। तो जब हम दोनों को जरब देते हैं तो इस सतह का हमें रकबा हासिल होता है। तो इसका रकबा हो गया B जरब H, और इस सतह का रकबा B कितना होता है? B जरब H। तो B जरब H और B जरब H दो मरतबा आया है, तो दो जरब B जरब H। तो यहां पे हमने
ऊपरी और निचली सतह, अगली और पिछली सतह, दाएं और बाएं सतह, इन तमाम के रकबे जात को अलग अलग हमने मालूम किया है। तो अगर हम जुमला रकबे की बात करते हैं, मुकब नुमा के जुमला सतही रकबे की बात करते हैं, तो हम इन सभी को जमा करना पड़ेगा, यानी दो जरब एल जरब भी जमा दो जरब बी, दो जरब बी जरब एच जमा दो जरब एल जरब एच। जब हम तीनों को, तीनों यानी छह जो सतह हैं इनकी, अगर उन सभी के रकबे जात को हम जमा करते हैं तो हमको कुल सतही रकबा हासिल होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो मुश्तरिका है, दो मुश्तरिक लेने के बाद हमको बचता है एल जरब बी जमा बी जरब एच जमा एच जरब एल। तो ये जाप्ता हमें हासिल होता है कुल सतही रकबे के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं मुकब नुमा का हजम। तो हजम, मुकब नुमा का हजम, जैसे आप नवी जमात में पढ़ चुके हैं, हजम का मतलब होता है किसी भी ठोस जिस्म की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर इन तीनों को हम जरब देते हैं तो जो कीमत हमें हासिल होती है वो उस ठोस जिस्म का हजम कहलाता है। तो मुकब नुमा में जैसे हमने माना है कि इसकी लंबाई एल, चौड़ाई बी और इसकी ऊंचाई को हमने माना है एच, तो अगर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को जरब देते हैं तो हमें जो कीमत हासिल होती है ये उसका हजम कहलाती है। तो मुकब नुमा का हजम के लिए जाप्ता है लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, यानी एल जरब बी जरब एच। उसी तरह अगर हम किसी भी मुकब नुमा में मुखालिफ के जो वर्टेक्स होते हैं, मुखालिफ की जो रासें होती हैं, उनको मिलाने वाला खत क्या कहलाता है, उस मुकब नुमा का वितर कहलाता है। तो वितर की लंबाई क्या होती है, यहां पर हमने एक वितर खींचा है, हमने सी को ई से जोड़ते हुए एक वितर खींचा है, तो इस वितर की लंबाई क्या होती है। तो वितर की लंबाई मालूम करने के लिए हम यहां पे फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हुए वितर की लंबाई मालूम करते हैं। तो यहां पे निचली जो सतह है, तो पहले हमने इस सतह पे एक वितर खींचा है और फिसागोरस का मसला लगाते हुए हमने इस वितर की लंबाई मालूम की, जिसकी लंबाई है जजर एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, जजर एल का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, है ना, एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। फिर वही फिसागोरस का मसला हम इस मुसल्लस के लिए ई सी जी के लिए अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो हमें इस वितर की लंबाई निकल के आती है जजर एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। तो यहां पे आपको मुकब नुमा का हजम का जाप्ता हासिल हुआ है, यानी मुकब नुमा की लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, और मुकब नुमा में जो वितर खींचे जाते हैं उसकी लंबाई होती है जजर लंबाई का मुरब्बा जमा चौड़ाई का मुरब्बा जमा ऊंचाई का मुरब्बा, यानी जजर एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा एच स्क्वायर। तो चलिए मुकब नुमा का मुताला करने के बाद यहां पे शक्ल में आपको कुछ और मिसालें दी गई हैं, कुछ ठोस अस्साम दिए गए हैं, आप इनको गौर से देखें और कोशिश कीजिए पहचानने के लिए कि किन ठोस, किस ठोस जिस्म की मिसालें हैं। जी हाँ, ये मुकब की मिसालें हैं, है ना, ये जो तस्वीर देख रही है, लूडो आपने खेला होगा, तो ये लूडो की मिसाल है, जो एक मुकब की मिसाल होती है। बर्फ के टुकड़े यानी आइस क्यूब्स जो होते हैं ये भी मुकब नुमा होते हैं, और कई गिफ्ट बॉक्स जो होते हैं वो भी मुकब नुमा होते हैं। तो किन ठोस को हम मुकब नुमा कहेंगे या मुकब नुमा की खसूसियात क्या होती हैं? तो एक मुकब, एक जो मुकब होता है, माफ कीजिए, मुकब होता है, मुकब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तमाम कीमतें आपस में मसावी होती हैं, यानी जो भी मुकब होता है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई ये तमाम कीमतें आपस में मसावी होती हैं। मसलन अगर एक मुकब है उसकी लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होगी और उसकी ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर होगी, या एक मुकब है अगर उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो मुकब नुमा में और मुकब में क्या फर्क पाया जाता है, मुकब नुमा में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों मुख्तलिफ होती हैं, जबकि जो मुकब होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों कीमतें आपस में मसावी होती हैं। और अगर हम रुख की बात करते हैं, एक मुकब के जो रुख होती है तो वो रुख आपको
मुरब्बा नुमा हासिल होते हैं, मुरब्बा नुमा होते हैं, यानी एक मुकब के जो रुख होते हैं कौन सी शक्ल के होते हैं, मुरब्बा होते हैं। तो चलिए मुकब का कुल सतह रकबा हम कैसे मालूम करें, तो जो मुकब होता है उसका जुमला कुल सतह रकबा हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक मुकब हमारे साथ है और मुकब की लंबाई अगर हम ए मान लेते हैं, मुकब की लंबाई को अगर ए मान लेते हैं, जैसे खसूसियत है एक मुकब में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मसावी होते हैं, तो अगर हम एक मुकब की किनारे की लंबाई ए मान लेते हैं तो उसकी चौड़ाई भी ए होगी और उसकी ऊंचाई भी ए होगी, यानी तमाम किनारों की जो लंबाई होती है वो आपस में मसावी होती है। तो एक मुकब को अगर हम खोलते हैं तो हमको ऐसी शक्ल हासिल होती है, जैसे आप देख सकते हैं हर सतह एक मुरब्बा है, ठीक है, तो ऐसे जुमला कितनी सतह होती है, छह सतह होती है, तो जिसको आप यहां देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और हर मुरब्बे में हमने माना है कि जिले की लंबाई कितनी है ए, ऊंचाई कितनी है ए, तो मुरब्बे किसी भी मुरब्बे का रकबा हम कैसे मालूम करते हैं, उसके दो जिलों का दो जिलों को जरब देते हैं, तो अगर हम ए को ए से जरब देते हैं तो हमको मिलता है ए का मुरब्बा ए स्क्वायर, यानी किसी भी मुरब्बे में अगर उसके जिले की लंबाई ए है तो उसका रकबा होता है ए का मुरब्बा, यानी जिले का मुरब्बा। तो यहां पे हमने हर जो मुरब्बा होता है उसकी लंबाई कितनी मानी हमने ए, तो इसका जो रकबा होगा ए स्क्वायर होगा सभी, क्योंकि यहां पे जो सतह है मुरब्बे जैसी है तो सभी का रकबा एक जैसा होगा, तो यहां पे हर सतह का रकबा कितना होगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप सभी को आप जमा करते हैं, इस सतह का रकबा ए स्क्वायर, इस सतह का रकबा ए स्क्वायर, इस सतह का रकबा ए स्क्वायर, तमाम सतहों का रकबा ए स्क्वायर है, अगर आप सभी को जमा कर लेते हैं ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर, यानी छह मरतबा अगर आप जमा कर लेते हैं ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, तो आपको मिल जाता है जुमला 6A2। तो मुकब कोई भी मुकब उसके अगर जिले की लंबाई दी गई है ए, तो उसकी जुमला सतही रकबा कितना होगा 6A2। अब चलिए हम मालूम करते हैं मुकब का हजम। हजम अभी जैसे मैंने बताया हजम का आम जाब्ता क्या होता है, लंबाई जरब चौड़ाई जरब ऊंचाई, तो हमने माना यहां पे लंबाई ए है चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी इसकी ए है, तो हजम मालूम करने के लिए इन तीनों को हमको जरब देना होता है, तो ए जरब ए जरब ए ये हो जाता है ए का मुरब्बा। तो किसी भी मुकब का हजम जिसके किनारे की लंबाई अगर ए दिया हुआ है तो उसका हजम कितना होता है ए का मुकब होता है। चलिए तीसरे अगर हम ठोस जिस्म की बात करते हैं तो उसके लिए कई मिसालें यहां पे दी गई है ना, तो यहां पे ये ड्रिंक कैन है या जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना उसका कंटेनर है, और ये पानी का टैंक है, बोतल है, सिलेंडर है, पाइप है, सेल्स है, और ये रोड रोलर आपने देखा होगा, रोड रोलर का जो अगला पहिया होता है ना, और पाइप्स है, ये तमाम चीजें हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनको देखते हैं, तो ये तमाम किसकी मिसालें हैं, ये तमाम कायम मदूर इस्तवानी की मिसालें, ये तमाम इस्तवानी की मिसालें जिसे हम इंग्लिश में राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, है ना, माफ करना यहाँ पे कौन आ गया है सिलेंडर, तो ये तमाम मिसालें कायम मदूर इस्तवानी की या राइट सर्कुलर सिलेंडर की मिसालें होती हैं। चलिए तो जो इस्तवाना होता है या कायम मदूर इस्तवाना होता है जिसे हम आसानी के लिए सिर्फ इस्तवाना भी हम कह सकते हैं, तो इस्तवाने की जुमला तीन सतह होती है, इसे आप शक्ल में भी देख सकते हैं, तो ये एक इस्तवाने का मॉडल है, इसकी जुमला तीन सतह होती है, एक दायरवी सतह जिसे आप देख सकते हैं और ये दूसरी दायरवी सतह और तीसरी जो होती है ये सतह जिसको हम माइल सतह कहते हैं या इसको मुनहनी सतह भी हम कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। तो जो भी स्तवाना होता है या सिलेंडर होता है इसकी जुमला कितनी सतह होती है, तीन सतह होती है, एक दायरवी सतह, दूसरी और एक दायरवी सतह, और जो तीसरी सतह होती है उसके अतराफ घेरे हुए होती है इसको हम कहते हैं माइल सतह या मुनहनी सतह।
तो इसको यहां पे एनिमेशन में दिखाया गया सिलेंडर की जुमला, तीन सतह होती है, एक ऊपर की दैर्वी सतह, दूसरी नीचे की दैर्वी सतह और एक अतराफ में जिसे हम माइल सतह कहते हैं। तो ये खसूसियात है एक स्थवाने की। तो एक स्थवाने में तीन सतह हमने देखी, दो दैर्वी सतह जो आपस में एक दूसरे के मुतवाजी है, और एक सतह जो है ना घेरे हुए है वो है माइल सतह या मुनहनी सतह कहलाती है। तो चलिए हम खायम मुदूर स्थवाना या राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, फिर से माफ करना, यहां पे कौन आ गया सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मुनहनी सतह का रकबा हम कैसे मालूम करेंगे। मान लीजिए शक्ल में जैसे आपको दिखाया गया यहां पे एक स्थवाना दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए यह स्थवाना एक कार्डबोर्ड का एक पेपर से बना हुआ है, अगर हम इसको काटते हैं, मान लीजिए इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है h, ऊंचाई को हम h से जाहिर कर रहे हैं, और जो दैर्वी सतह हैं मान लीजिए उनका निफ्स खुतर है r। तो अगर हम इस स्थवाने को अगर काटते हैं, काट के अगर हम इसको खोलते हैं, ठीक है, तो हमको एक मुस्ततील नुमा शक्ल हासिल होगी, और इसी मुस्ततील नुमा शक्ल को जब अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमें फिर से ये मुनहनी सतह हासिल होगी। यानी एक स्थवाने की जो मुनहनी सतह होती है अगर हम उसको एक काटते हैं और उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो ये मुनहनी सतह एक मुस्ततील नुमा शक्ल बनाती है। तो ये मुस्ततील का जो रकबा होगा वही रकबा इस स्थवाने के मुनहनी सतह का रकबा होगा, क्योंकि जो स्थवाने की मुनहनी सतह होती है वो इसी मुस्ततील को फोल्ड करने से, लपेटने से हमको हासिल होती है। तो देखिए यहां पे इस मुस्ततील की जो लंबाई है, जब इसको हम फोल्ड करते हैं एक स्थवाना बनाने के लिए, जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो ये जो मुस्ततील की लंबाई है ये एक दायरवी शक्ल बनाती है। और आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि दायरे के दायरे को बनाने वाला जो खत होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 2πr, यानी 2πr। तो ये 2πr, ये जो दायरा है, दायरे नुमा शक्ल है, उसकी लंबाई जो होती है 2πr होती है। ये दायरे की पूरी शक्ल क्या होती है, 2πr होती है। जब हम इसको खोल रहे हैं तो यही दायरे को बनाने वाली जो लंबाई है ये मुस्ततील की लंबाई हो रही है। तो मुस्ततील की लंबाई कितनी होगी, 2πr। और देखिए ये जो मुस्ततील की चौड़ाई है, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो जो चौड़ाई है ये इस स्थवाने का हाइट बन जाता है। यानी मुस्ततील की जो चौड़ाई है इस स्थवाने के हाइट के बराबर है, मुस्ततील की जो लंबाई है ये स्थवाने का जो दायरवी कायदा बन रहा है उसका मुहित बनाता है। तो इसकी लंबाई 2πr और हाइट h, और मुस्ततील में हम रकबा कैसे मालूम करते हैं, हमको उसको लंबाई और चौड़ाई को जरब देते हैं। तो 2πr को जब आप h से जरब देंगे तो आपको हासिल होगा 2πr h, ठीक है। तो मुनहनी सतह का रकबा 2πr जरब h, यानी हमको हासिल होता है 2πr h। तो एक स्थवाने के जो सतही रकबा होता है, मुनहनी सतह का जो रकबा होता है उसका जाप्ता होता है 2πr h, जहां पे h इस स्थवाने की लंबाई है या ऊंचाई है, और r उस स्थवाने का निष्कुतर है, दैर्वी इसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका निष्कुतर है। अगर हम स्थवाने की कुल सतही रकबे की अगर हम बात करते हैं, पिछली स्लाइड में हमने सिर्फ इसकी मुनहनी सतह के बारे में जाप्ता हासिल किया, अगर हम जुमला स्थवाने में तीन सतह जैसे हमने बात किया, तीन सतह होती हैं, दो दैर्वी सतह होती है और एक मुनहनी सतह, मुनहनी सतह का रकबा हमने मालूम कर लिया 2πr h होता है। अगर इसमें हम दोनों दैर्वी जो रुख हैं उनके भी मुरब्बे, उनके भी रकबे को अगर हम जमा कर लेते हैं तो हमको जुमला स्थवाने का रकबा हासिल होता है। तो एक दायरा जिसका निष्कुतर r है उसका रकबा होता है पाई आर स्क्वायर, यह आपने पिछली जमात में पढ़ा है। तो किसी भी दायरा जिसका निष्कुतर r है उसका रकबा होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर जाप्ता है एक दायरे के रकबे का जिसका निष्कुतर r है। तो यहां पे हमको दो दायरवी सतह हैं तो जिसकी निष्कुतर r और r है तो इसका रकबा होगा पाई आर स्क्वायर, और दूसरी दायरवी सतह का रकबा भी होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम तीनों को जमा कर लेते हैं तो हमको जुमला इस स्थवाने का सतही रकबा या कुल सतही रकबा हासिल होता है।
तो 2 पाई आर एच जमा ये पाई आर स्क्वायर में और एक पाई आर स्क्वायर अगर हम जमा करते हैं तो हमको होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे 2 पाई आर दोनों में से मुश्तरिक हमको निकलता है, कॉमन निकलता है, तो हम 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो यहां से बच जाता है एच और यहां से हमको बच जाता है आर। तो एक स्थाने का कुल सतही रकबा मालूम करने का जाप्ता होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर जमा एच। उसी तरह खायम मदूर स्थाने का हजम मालूम करने का जाप्ता, तो एक स्थाने का हजम मालूम करने के लिए हम उसके जो कायदा होता है, कायदे का जो रकबा होता है उसको हम उसकी ऊंचाई से जरब देते हैं, कायदे के रकबे को उसकी ऊंचाई से जरब देते हैं। तो कायदे यहां पे दायरवी हैं और उसका रकबा कितना होता है पायर स्क्वायर, और मान लीजिए इसका हाइट है हेच, तो हेच से हमको जरब देना होता है। यानी एक स्तवाने का हजम मालूम करने के लिए उसके कोई भी एक दायरवी जो सतह होती है उसके रकबे को उसके हाइट से हमको जरब देनी होती है। तो दायरवी सतह का रकबा पायर स्क्वायर और स्थाने का मान लीजिए ऊंचाई या इसका हाइट हेच है उससे अगर हम जरब दे देते हैं तो हमको हजम का जाप्ता आता है। तो एक स्थाने का हजम मालूम करने का जाप्ता होता है पाई आर स्क्वायर हेच। चलिए उसके बाद आता है खोखला स्थाना, यानी अगर स्थाने में अगर एक तरफ या दोनों तरफ अगर खुला होता है तो ऐसे स्थाने को हम कहते हैं खोखला स्थाना। जैसे हम पाइप एक रिंग की शक्ल यहां पे देख रहे हैं, रिंग एक खोखले स्थाने की मिसाल होती है, या कोई भी स्थाना अगर वो एक तरफ से खुला है या दोनों तरफ से खुला हुआ है तो हम उसे खोखला स्थाना कहते हैं। तो जो खोखला स्थाना है उसकी एक शक्ल यहां पे आपको दी गई। तो खोखले स्थाने में दो सतह होती है, एक अंदर की सतह अंदरूनी सतह और एक बाहर की सतह होती है जिसे हम बैरूनी सतह कहते हैं। तो यहां पर मान लीजिए जो बैरूनी सतह है उसका निष्क उत्तर, बैरूनी जो सतह है उसका निष्क उत्तर कैपिटल आर से हम जाहिर कर रहे हैं, और उसकी जो अंदरूनी सतह है अंदरूनी सतह इसके निष्क उत्तर मान लीजिए स्मॉल आर से हम जाहिर करते हैं, और मान लीजिए इसकी जो लंबाई है या हाइट है उसको हम एच से जाहिर करते हैं। तो यहां पे जाप्ते आपको डायरेक्ट याद रखने हैं क्रॉस सेक्शन का रकबा, यानी इस स्थाने को अगर हम कट करते हैं तो हमको क्रॉस सेक्शन कैसे मिलता है, दायरवी मिलता है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका जाप्ता होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी पाई बैरूनी सतह का निष्क उत्तर का मुरब्बा माइनस अंदरूनी सतह के निष्क उत्तर का मुरब्बा। इसी तरह बैरूनी मुनहनी सतह का रकबा होता है 2 पाई कैपिटल आर एच, अंदरूनी सतह के मुनहनी सतह का रकबा 2 पाई स्मॉल आर एच, और कुल मुनहनी सतह का रकबा होता है 2 पाई एच आर जमा आर। तो अगर आप पिछले जो मुस्तद स्थाने के लिए जो जाप्ते आपने पढ़े और इस खोखले स्थाने के लिए जो जाप्ते आप पढ़े, एक ही फर्क आपको वहां पे नजर आता है, वो है जहां पे आपको आर लिखना है वहां पे यानी क्रॉस सेक्शन का रकबा पाई आर स्क्वायर होता है दायरे का पाई आर स्क्वायर, यहां पे आपको आर की जगह पे दो निष्क उत्तर है तो हमको बैरूनी निष्क उत्तर का मुरब्बा माइनस अंदरूनी निष्क उत्तर का मुरब्बा। उसी तरह जब बैरूनी सतह का रकबा आप ले रहे हैं तो बैरूनी सतह का निष्क उत्तर कितना है कैपिटल आर, तो उसको हम लिखेंगे 2 पाई कैपिटल आर एच, और अंदरूनी मुनहनी सतह का रकबा स्थाने का 2 पाई आर एच है, तो अंदरूनी की अगर हम मुनहनी सतह की रकबे की बात कर रहे हैं तो इसका निष्क उत्तर आर है स्मॉल आर है तो हम लिखेंगे 2 पाई स्मॉल आर एच। ठीक है, उसी तरह मुनहनी सतह का कुल रकबा होता है 2 पाई एच आर जमा आर। ठीक है, तो यहां पे ठीक है, तो कुल सतह का रकबा होता है 2 पाई आर जमा आर एच जमा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और हजम का जब्ता होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो तमाम जब्ते आपको अच्छी तरह से जहनशीन करना है, इनकी याद दहानी आपको करना है ताकि जब सवालात को हम हल करें आपको आसानी हो। चलिए अगले ठोस की अगर हम बात करते हैं तो इन तमाम ठोस अस्साम को हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, इनको इस्तेमाल हमने किया है, जैसे ये बर्थडे का कैप है और ये रोड पे आपने देखा है डिवाइडर की जगह पे रखा जाता है, आइसक्रीम है, रेत का ढेर है, गाजर है, मूली है, इन तमाम
शक्लों से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये तमाम शक्लें किसकी मिसालें हैं? मखरूत की, है ना। तमाम शक्लें मखरूत की मिसालें होती हैं, इसे हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। तो मखरूत जो होता है, ठीक है, तो मखरूत के एक मॉडल आप देख सकते हैं। मखरूत में दो सतहें होती है, दो सतह होती है, एक दायरवी सतह जो इस मखरूत का कायदा कहलाती है, और एक दूसरी सतह आप देखते हैं उसको हम कहते हैं मुनहनी सतह या माइल सतह। तो जो भी मखरूत होते हैं, जो माइल सतह जहां पर जिस नुक्ते पे मिलती है, इस पॉइंट को हम इस मखरूत का रास या वर्टेक्स कहते हैं। जो सतह होती है इसको हम मुनहनी सतह या माइल सतह कहते हैं, और दूसरी सतह होती है दायरवी सतह जो इस मखरूत का कायदा कहलाती है। चलिए, तो मखरूत की माइल सतह का रकबा और कुल सतह के रकबे के लिए क्या जाब्ते होते हैं? किसी भी मखरूत की जो माइल सतह होती है उसका रकबा मालूम करने का जाब्ता होता है पाई आर एल। एक बात को यहां पे समझ लीजिए, याद रखिए, मखरूत में दो तरह की लंबाइयां होती है, दो तरह की बुलंदी होती है। एक होती है उमूदी बुलंदी जिसे हम हेच से जाहिर करते हैं, और दूसरी होती है ये तिरछी बुलंदी जिसे हम माइल बुलंदी कहते हैं। तो माइल बुलंदी को हम एल से जाहिर करते हैं, और जो उमूदी जो लंबाई होती है उसको हम हेच से जाहिर करते हैं। मान लीजिए इस मखरूत के कायदा जो दायरवी कायदा है उसका निस्फ उतर आर है, तो इसके मुनहनी सतह का रकबा मालूम करने का जाब्ता होता है पाई आर एल। उसी तरह कुल सतह रकबा मालूम करने के लिए इस मुनहनी सतह में हमको इस दायरवी सतह के रकबे को जमा करना होता है। तो दायरवी सतह का रकबा जैसे हमको मालूम है, अगर किसी भी दायरे का निस्फ उतर अगर आर है तो उसकी उसका रकबा हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो इस मुनहनी सतह के रकबे में यानी पाई आर एल में इसके रकबे को यानी पाई आर स्क्वायर को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको जुमला मखरूत की रकबा हासिल करने का जाब्ता हासिल होता है, यानी पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर एल। तो यहां पे पाई आर दोनों तरफ है तो हम उसको मुश्तरिक निकालते हैं, तो यहां पे से एक आर तो मुश्तरिक आ गया, तो एक आर अंदर हमको मिल जाता है, और दूसरा यहां से पाई आर बाहर आने के बाद एल बच जाता है। तो मुनहनी किसी भी मखरूत का कुल सतही रकबा मालूम करने का जाब्ता है पाई आर जरब आर जरब एल होता है। तो मखरूत का हजम, तो मखरूत का हजम को समझने के लिए आप एक एनिमेशन यहां देख सकते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास स्तवाना है, ठीक है, और उसकी हाइट हेच है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसका निस्फ उतर आर है। अगर हम इसी हाइट का एक मखरूत लेते हैं, एक मखरूत लेते हैं और उसमें पानी भरते हैं, भरकर इस स्तवाने में अगर हम उस पानी को लेते हैं तो हम देखते हैं कि इस स्तवाने को पूरी तरह भरने के लिए हमको इस मखरूत में या जो कोन होता है इससे तीन मरतबा पानी लेकर डालना होता है। इसका मतलब जो स्तवाना होता है उसका हजम मखरूत के हजम का तीन गुना होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं स्तवाने का हजम मसावी होता है तीन जरब मखरूत का हजम। स्तवाने का हजम मखरूत के हजम का तीन गुना होता है। स्तवाने का हजम यहां पे हमको है ना, सोने का हजम मसावी है तीन जरब मखरूत का हजम। हमको यहां पे मखरूत का हजम निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस तीन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो जब ये तीन को जब हम मसावी के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो बटे में आ जाता है, वो होता है एक बटा तीन। एक बटा तीन जरब स्तवाने का हजम। स्तवाने का हजम हमने पिछले ही स्लाइड में हमने मालूम किया है, स्तवाने का हजम का जब्ता क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो एक बटा तीन वैसे ही स्तवाने का हजम पाई आर स्क्वायर एच। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जाब्ता अच्छे से समझ में आया होगा। तो मखरूत के हजम का मालूम करने का जाब्ता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच। साथ में ये भी यहाँ पे इस ताल्लुक को भी अच्छे से याद करें ताकि कुछ सवालात में हमको इस ताल्लुक को डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है। स्तवाने का हजम अच्छे से याद रखिए वो तीन गुना होता है मखरूत के हजम का, या जो मखरूत का हजम होता है स्तवाने के हजम का एक बटा तीन होता है। चलिए अगले ठोस की तरफ देखते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ना, फुटबॉल है, एक सोप बबल है, और ये आपका ग्लोब है ना, ये मार्बल्स है, ये जमीन की शक्ल है ना, ऑरेंजेस है,
ये तमाम शक्लें हमें किसकी याद दिलाती हैं? जी हां, ये तमाम शक्लें होती हैं कुर्रा, जिसे हम बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर को हम कैसे हासिल करते हैं? अगर एक निफ्स डायरी नुमा प्लेट अगर हम लेते हैं, एक निफ्स डायरी प्लेट लेते हैं और उसके खुतर के गिर्द उसको अगर हम घुमाते हैं तो हमको क्या हासिल होता है? एक कुर्रा हासिल होता है। चलिए, कुर्रे का सतही रकबा, कुर्रे का जो जुमला सतही रकबा होता है इसका जाप्ता होता है 4πr², ठीक है। इसको हम कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि इस कुर्रे को हम आधा कट कर देते हैं तो जो हिस्सा हमको मिलता है ये निस कुर्रा कहलाता है। मान लीजिए यहां पे अगर हम एक कील मार के इसके ऊपर एक धागे को लपेटना शुरू करते हैं ताकि ये पूरी सतह है ना उस धागे से कवर हो जाए, ढक जाए, ठीक है। उसके बाद आप उसकी लंबाई नाप लीजिए, फिर उस जो यहां पे सतह दिखाई दे रही है कुर्रे की, इसके ऊपर भी एक कील मार के धागे को आप लपेटना शुरू करिए, ठीक है, और उसकी लंबाई नापिए, तो आप देखते हैं कि इस सतह को ढांपने के लिए जितनी धागे का इस्तेमाल होता है आप देखेंगे कि उसका दो गुना धागा हमको इस्तेमाल होता है इस सतह को ढांपने के लिए। या अगर हम पूरे सतह की बात कर रहे हैं तो पूरी सतह को धागे से ढांपने के लिए जितना धागा इस सतह को ढांपने के लिए इस्तेमाल होता है, इस पूरे सतह को अगर वही धागा आप लपेटते जाएंगे तो आपको इसका 4 गुना इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी अगर यहां पे इस सतह को ढांपने के लिए अगर आपको 4 मीटर धागा अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वही आपको इस पूरे को ढांपने के लिए इसका 4 गुना यानी 16 मीटर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम एक जाप्ता उपस कर सकते हैं कि जो कुल सतही रकबा होता है दायरे का वो होता है 4πr², क्योंकि हमको मालूम है जो भी दायरा होता है जिसका निष्कुतर आर है उसका रकबा कितना होता है? πr², और इसको ढापने के लिए जितना धागा हमको लग रहा है उसका 4 गुना धागा हमको पूरे इस कुर्रे को ढापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम उसको πr² को हम 4 से ज़रब देंगे तो हमको जब्त आ जाता है 4πr². तो अगर एक कुर्रे को अगर हम दरमियान से काट देते हैं, दो मसाव हिस्सों में काट देते हैं तो जो एक हिस्सा हमको मिलता है ये निफ्स कुर्रा कहलाता है, ठीक है। तो निफ्स कुर्रा का जो सतही रकबा होता है, उसके जो सतह का रकबा होता है, क्योंकि ये एक कुर्रे का आधा हिस्सा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक निफ्स कुर्रे का रकबे का जाप्ता 4πr² है, हम बात कर रहे हैं निफ्स कुर्रे की, निफ्स कुर्रा मतलब कुर्रे का आधा, तो उसको हम 2 से तकसीम करेंगे। अगर हम इसको 2 से तकसीम करेंगे तो हमको मिलता है 2 एकन और 2 दूनी 4, यानी निफ्स कुर्रे के सतह का रकबा हमको मिल जाता है 2πr². अगर वही हम जुमला सतह रकबे की बात कर रहे हैं तो इस सतह में हमको ये जो दायरवी सतह है इसको भी जमा करना पड़ेगा, और दायरवी किसी भी दायरा जिसका निष्कुतर आर है उसका रकबा कितना होता है? πr², तो इसका रकबा है πr² और मुनहरी सतह का रकबा है 2πr². अगर हम दोनों को जमा कर लेते हैं तो हमको मिलता है 2 जमा 1 3πr², ठीक है। उसी तरह कुर्रे का हजम और निफ्स कुर्रे का हजम, तो कुर्रे का हजम जाप्ता आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, कुर्रे का हजम होता है 4/3πr³, 4/3πr³, जहां पे आर इस कुर्रे का निष्कुतर है। उसी तरह अगर हम निस कुर्रे के हजम की बात कर रहे हैं तो वो कुर्रे का हजम का आधा होगा, है ना, तो इसलिए हम 2 से फिर से तकसीम करेंगे तो यहां से 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 निकलता है, तो हमको जाप्ता आता है 2/3πr³। उसी तरह निस कर्वी खोल, जिसे हम शेल्वी बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर हम जाप्ता लिखते हैं, ये किताब में आपको इस पे बहुत कम सवाल मिलते हैं, फिर भी इसके जाप्ते आप याद रख लीजिए, तो निष्कर्वी जो खौल होता है, खौल में फिर से यहाँ पे अंदरूनी सतह और इसकी बेरूनी सतह होते हैं, तो यहाँ पे 2 निष्कुतर हमको मिलते हैं, अंदरूनी सतह का निष्कुतर स्मॉल आर और बेरूनी सतह का निष्कुतर कैपिटल आर। तो ये जो दायरी सतह आपको नजर आ रही है इसका सतही रकबा कितना होगा? πr² - r², ठीक है, और जो ये अंदरूनी सतह है उसका सतह रकबा होगा 2πr², और जो ये बैरूनी बाहर की सतह है जिसका निष्कुतर कैपिटल आर है उसका जाप्ता है 2πr², ठीक है। तो हजम के लिए 2/3πr³ लिखने के बजाय, क्योंकि यहां पे 2 निष्कुतर हैं, तो हमको लिखेंगे बैरूनी
सतह का निष्कुतर का मुकब माइनस अंदरूनी सतह के निष्कुतर का मुकब। इसी तरह बेरूनी जो माइल बुलंदी है, बेरूनी जो सतह है इसका जाप्ता है 2πr² अंदरूनी जो सतह है ना उसके लिए जाप्ता है 2πr² और अगर हम कुल सतह रकबा इसका मालूम करना चाहते हैं तो हम ये सभी कीमतों को जमा करेंगे तो हमको मिलेगा 2πR² जमा 2πr² और जमा πr² माइनस r² तो यहां पे हमने तमाम ठोस अजसाम का रकबेजात और उनके हजम के मुतालिक जाब्तों को हमने पढ़ा। तो चलिए इन तमाम जाब्तों का एक टाइम अदा कर लेते हैं। तो मुकब नुमा के लिए माइल सतही रकबा 2H जरब L जमा बी, कुल सतही रकबा 2 जरब एल बी जमा बी एच जमा एच एल और हजम के लिए L जरब बी जरब H। उसी तरह मुकब के लिए जिसके किनारे की लंबाई A होती है तो उसका माइल सतही रकबा 4A², कुल सतही रकबा 6² और हजम उसका A का मुकब होता है। खायम मुदूर इस्तवाना के लिए जाब्ता माइल सतह का रकबा 2πr H, कुल सतह रकबा 2πr r जमा एच और हजम πr² H। खायम मुदूर मखरूत πr L, कुल सतह रकबा 2πr r जमा L और हजम होता है 1/3 πr² H। कुर्रे के लिए माइल सतह और कुल सतह दोनों एक ही होते हैं और उसके लिए जाप्ता होता है 4πr² और हजम होता है 4/3 πr³। ठीक है, माफ करना यहाँ पे πr³। और निस्फ कुर्रा होता है 2πr², कुल सतह रकबा 3πr² और हजम होता है 2/3 πr³। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने तमाम बातों को गौर से सुना होगा और तमाम जो नुकात आपको पढ़ाए गए उसको बुक में नोट किया होगा। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि जब हम अगली क्लास मिलेंगे तो तमाम तलबा इन तमाम जब्तों को अच्छे से जहनशी करें। अगली जमात में हम रकबे के मुतालिक और हजम के मुतालिक सवालात को हल करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में है ना मुख्तलिफ सवालों रकबे जात पे और हजम पे सवालात को हल करेंगे। और फिर से एक मरतबा कहता हूँ ये तमाम जब्ते आपको याद होने चाहिए, बगैर जाब्तों को याद दहानी करे हम सवालात को हल नहीं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इनके मुतालिक सवालात को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अनुदिना अनुक्षणा।